गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव वॉच्ड लास्ट वीडियो एंड यू हैव लर्न्ड ऑल द फॉर्मूले ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस। सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 23 व्हिच इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। किसका एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है बेटा, किसका? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसमें हमारी 6 सरफेसेस होती हैं, और जैसे हमारा रूम होता है या फिर चौका, मैंने आपको बॉक्स दिखाया था वो, तो किस शेप के होते हैं बेटा? क्यूबॉइड शेप के, जिसमें हमारे पास क्या होती है? 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, क्या कहता है? वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। वी हैव गिवन लेंथ, लेंथ इज गिवन, वी हैव गिवन लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल बी एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल इज 12 सेंटीमीटर, बी इज 8 सेंटीमीटर, एच इज 5 सेंटीमीटर। सो 12 by 16 into 8. Now look at here, we have centimeter 1, 2, 3 times. We have centimeter 3 times. So centimeter raised to power 3. So 8 6 are 48, 0 centimeter cube. So our answer for volume is 480 centimeter cube. Now we have to also find total surface area. Total surface area, we know that the total surface area of cuboid is 2 into LBBH plus HL. Now we can put the values 2 into L. Length is 12 into B, B, breadth is 8 plus breadth is 8 into height is 5 plus H, H is height 5 into length is 12. So 2 into 12 is 96 plus 8 5 is 14 plus 12 5 is 16. And we know that area is, unit of area is centimeter square, या फिर जो भी हमारी unit होगी उसका क्या हो जाएगा बेटा? Square हो जाएगा। ठीक है, so now add this 6, 10 and 9, 90 into 2 centimeter square. 2 6 are 12, 2 9 are 18 and 1 19, 2 1 are 2 and 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 480 एंड टोटल सरफेस एरिया इज 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। इसी तरह से बेटा आपको सेकंड पार्ट करना है, उसमें भी हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 14,580 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 27 सेंटीमीटर, फाइंड फर्स्ट हाइट ऑफ क्यूबॉइड एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब क्या कहते हैं बेटा, वॉल्यूम हमें दे रखा है और लेंथ हमें दे रखी है और ब्रेथ हमें गिवन है, हमें क्या करना है? हाइट फाइंड आउट करनी है किसी क्यूबॉइड की एंड डायगोनल फाइंड आउट करना है किसका? क्यूबॉइड का। सो ये हम सभी फॉर्मूले हमने लास्ट में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2, सो वॉल्यूम
of cuboid. (14,580 cm³). But we have given length is 36 cm and breadth is 27 cm. But we know that volume of cuboid is L into B into H, and volume of cuboid is given that 40,580 cm³. Now put the value of L and B. L is 36 cm and B is 27 cm, and H we have to calculate. So 45,580 cm³. Now 36 and 27 we will take from here to there, because we have to find the value of H. अभी एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बताइए हम लोग आगे ले जाएंगे दूसरी तरफ, एक इसमें हम मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो इसमें हो जाएंगे डिवाइड में. सो एच इज इक्वल टू 14,580 cm³ अब सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 36 × 27 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज इट? नाउ वी हैव टू कैंसिल दिस. 6 × 36 6 × 12 remainder 2 × 25 6 × 24 remainder 1 and 8 18 6 × 3 = 18 0 as it is. Again by 6 × 24 remainder 0. We can take 3, but we can't divide 3 by 6. हम 3 को डिवाइड नहीं कर सकते 6 से, तो क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई. नाउ वी कैन टेक 0 आल्सो. 3 and 0 = 30 6 × 5 = 30 यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं तो बेटा मोस्टली बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो ये 0 नहीं यूज करते. लेकिन अगर नहीं जाएगा तो हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? 0 यूज करनी पड़ेगी. ठीक है बेटा. नाउ वी कैन डिवाइड इट बाय 9 × 3 = 27 9 × 4 = 36 remainder 4 and 5 = 45 Again by we can divide by again 9 × 5 = 45 Now we can divide it by 3 3 15 = 45 15. Now centimeter they are in dividing form, then power should be subtract. ये भी सेंटीमीटर दोनों किसमें बेटा? डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. 3 में से 2 जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास? सेंटीमीटर की पावर 1. ठीक है बेटा. सो हाइट इज 15 cm, बट वी हैव टू आल्सो कैलकुलेट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड is equal to under the root L square plus B square plus H square. We know that diagonal of cuboid is length square plus breadth square plus height square under the root. So length is 36 plus breadth is 27 square, 36 square plus height is 15 square under the root. So 36 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 6 × 36 6 × 12 = 36 and 3 × 39 3 × 9 = 12 1296 and square of 27 is 7 × 7 = 49 4 carry 7 × 4 and 4 7 × 28 28 and 4 32 3 carry 2 × 4 and 3 7 plus 25 what's the next digit 2 2 into 1 2
Now we have to add these and find the square root of given numbers. So 5, 9, and 6, 15, 15 and 5, 20, 2, 10. 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6 and 9, 15 again, 1, 10. 3, 3 and 7, 10, 10 and 2, 12, 1, 10. 1 and 1, 2. Now we have 2, 2, 5, 0. And we can factorize 5, 2, 2, 5, 0 by 5. हम इसको किससे फैक्टराइज कर सकते हैं बेटा? 5 से फैक्टराइज कर सकते हैं. हम इसको किससे फैक्टराइज कर सकते हैं? 5 से फैक्टराइज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी विल फैक्टराइज इट बाय 5. वी कैन डिवाइड इट बाय 5. सो 5, 4 जा 25, 5 जा 25, 0 एज इट इज. 5, 9 जा 45 एंड 0 एज इट इज. वी कैन डिवाइड इट बाय 3, 3 जा 9, 0 एज इट इज. 3, 3 जा 3, 1 जा 3, 0 एज इट इज. सो वी कैन डिवाइड इट बाय 5, 2 जा 10 एंड 2, 1 जा 2. सो वी हैव 2, 3 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम्स 2. सो वी कैन मेक पेयर 5 एंड 3. सो जो पेयर बनाएगा उनमें से क्या आ जाएगा? एक प्राइम नंबर बाहर आ जाएगा. 5 के पेयर में से 5 बार आ गया. 3 के पेयर में से 3 बार आ गया. ठीक है बेटा. इनटू 5 एंड टू 10 अंडर द रूट 15 रूट 10. क्या आ गया हमारे पास? 15 रूट 10. दैट इज योर आंसर. ये आपका क्या होगा? आंसर होगा. ठीक है बेटा. और जो डायगनल है वो किसमें आएगा बेटा? सेंटीमीटर में. उसकी जो यूनिट है वो कैसी होती है? सिंगल यूनिट होती है, जिसमें हमारी लेंथ ब्रेथ गिवन होगी, इसी में क्या आएगा? हमारा डायगनल आएगा. ठीक है. सो दैट इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन. बेस इज ए स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन. इट्स बेस इज ए स्क्वायर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर. क्या कहता है बेटा? उसका जो बेस है वो क्या है? स्क्वायर है. और जो हाइट है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है. जैसे लुक एट हियर. नाउ लुक एट हियर बेटा. जो बेस है वो कैसा है? स्क्वायर. ठीक है. और जो इसकी हाइट हमें गिवन है बेटा, वो कितनी गिवन है? वो हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. अगर ये ए तो ये भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी. और हाइट हमें क्या है? गिवन है. हाइट हमें कितनी गिवन है बेटा? 14 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3584 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ स्क्वायर बेस एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. हमें क्या निकालना है? एक तो साइड निकालनी है किसकी? स्क्वायर की, जो स्क्वायर बेस है. और क्या फाइंड आउट करना है हमें? उसका सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा.
सरफेस एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर उसने नहीं दे रखा है कि सरफेस एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा फाइंड आउट करेंगे बेटा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर वो बोलता है कि लेटर सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो हम लेटर सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टू इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू डी इंटू एच इज इक्वल टू 3584 सेंटीमीटर क्यूब। वी हैव लेंथ ए, ब्रेथ ए एंड हाइट इज 40 इज इक्वल टू 3584। सो ए टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3584 बाई 40। सो वी कैन, हमने क्या किया बेटा, ए में तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और 40 को उधर लेके जाएंगे तो किसमें जाएगा, डिवाइड में। अब हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर 14 टेबल नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं, 7 से कट कर सकते हैं, पहले 7 5 जा 14, 7 5 जा 35, 8 7 जा 7 1 एंड 4 14, 7 2 जा 40। नाउ वी कैन कैंसिल इट बाय 2 2 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 and 1 11, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 256 एंड दिस वन इज द स्क्वायर ऑफ 16, दिस वन इज द स्क्वायर ऑफ 16। वी कैन कैंसिल स्क्वायर टू स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। जो साइड होती है वो हमारी किसमें होती है, सिंगल यूनिट में होती है, वो किसमें होती है, सिंगल यूनिट में होती है। तो सेंटीमीटर में हाइट और सेंटीमीटर में हमारा क्या है, वॉल्यूम है। तो जो साइड है उसकी, जो साइड है उसका भी क्या आएगा, हमारा सेंटीमीटर आएगा। ठीक है बेटा, ये अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, 2 into LB + DH + HL। ठीक है बेटा, अब ए हमारे पास क्या आया, 16 आया, मीन्स लेंथ भी 16 है और ब्रेथ भी क्या है, 16 है। लेंथ भी 16 है और ब्रेथ भी हमारे पास क्या है, 16 है। 2 into 16 into 16 + base 16 into height 14 + height 14 into base 16। ठीक है बेटा, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। 2 into 16 into 16 256 प्लस वी हैव टू मल्टीप्लाई 16 by 14, 16 4 16 4 16 and 4 20। नाउ 16 4 16 4 6 carry 16 1 16 and 6 22। ना आएगा 22 प्लस, अब ये 14 into 16 नहीं है, अभी सेम है, तो क्या हो जाएगा 224। क्या करेंगे सभी को ऐड करेंगे, 6 + 4 10 and 4 14, 1 carry 2 2 4 and 1 5 and 5 10 1 carry 2 2 4 and 2 6 and 1 7 into 2 2 4 जा 8 0 2 7 जा 14, that is your answer and unit of total surface area is centimeter square, because हमारी जो unit है वो सेंटीमीटर में थी, और जो एरिया की यूनिट होती है वो कैसी होती है बेटा, स्क्वायर में होती है। ठीक है, that is your now question number 4। क्या कहता है, find the length of longest road that can be placed in a room of 18 meter long, 12 meter broad and 13.5 meter high। क्या कहता है बेटा कि उस रोड की, लॉन्गेस्ट रोड की क्या करो, लेंथ फाइंड आउट करो, जो हम कहाँ पे रख सकते हैं, एक रूम में रख सकते हैं, जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 18 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 12 मीटर एंड जो हाइट है वो क्या दे रखी है, 13.5 मीटर दे रखी है। ठीक है बेटा, अब जो हम रोड रखेंगे किसमें, किसी रूम में, तो
तो कहाँ पे रख सकते हैं बेटा, एक तो नीचे वाले किसी कॉर्नर में और उसके अपोजिट वाले दूसरे कॉर्नर में, ठीक है बेटा। जैसे हमने एक तो जैसे ये हमारे पास क्या है बेटा, शॉप का डिब्बा है, तो एक तो हमने यहाँ पे टच करवाया उसका हिस्सा और एक इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स पे क्या करवाया, टच करवाया इसका हिस्सा, ठीक है बेटा। तो ये क्या कहलाएगा, इसका डायगोनल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसका डायगोनल कहलाएगा। जैसे स्क्वायर में लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, डायगोनल होती है, वैसे ही जो रूम की जो लॉन्गेस्ट साइड आएगी वो भी क्या आएगी, डायगोनल ही आएगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डायगोनल क्या होता है, अंडर द रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में अभी हमने फाइंड आउट भी किया था, वैसा ही ये क्वेश्चन है, तो ये खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1280 मीटर क्यूब, इट्स ब्रेथ एंड हाइट आर इन रेशियो 5:4 एंड लेंथ इज 16 मीटर। फाइंड द ब्रेथ एंड हाइट द टोटल सरफेस एरिया। क्या कहता है बेटा, वॉल्यूम हमें क्यूबॉइड की दे रखी है, लेंथ हमें गिवन है, लेंथ इज 16 मीटर, रेशियो ब्रेथ एंड हाइट इज 5:4, सो लेंथ ब्रेथ इज इक्वल टू 5x एंड हाइट इज इक्वल टू 4x। तो ये हमने बहुत से क्वेश्चन में अभी तक किया है बेटा, कि जब भी हमें रेशियो में दे रखी होता है कोई भी थिंग, तो हम उसको क्या लेते हैं, उसके साथ कोई एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, x ही यूज़ करते हैं। तो 5x और यहाँ से क्या आ गया 4x, ठीक है बेटा। अब हमें जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन दैट 1280 सेंटीमीटर क्यूब, बट वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सो पुट द वैल्यू, लेंथ इज 16 इनटू ब्रेथ इज 5x इनटू हाइट इज 4x इज इक्वल टू 1280। नाउ x इनटू x स्क्वायर एंड 1280 बाय 16 को कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, 5 को भी कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4 को भी कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये किसमें थे, मल्टीप्लाई में थे, उधर गए तो किसमें हो गए, डिवाइड में। 16 को कट कर सकते हैं 8 2 16 से, तो इसको भी कट कर सकते हैं 8 से, 8 1 8 रिमाइंडर 4 4 एंड 8 48 8 8 6 48 जीरो एज इट इज, अगेन बाई का कट बाई 2 2 2 8 16 जीरो एज इट इज, 5 5 1 5 रिमाइंडर 3 3 0 30, सो 5 6 30 4 4 16 एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, वी कैन कैंसिल स्क्वायर टू स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। नाउ ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इनटू एक्स, 2 इन वी हैव ब्रेथ 5x, सो 5 इनटू एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, 5 2 10। नाउ लुक एट हियर बेटा, लेंथ इज मीटर एंड लेंथ इन मीटर एंड दिस वन आल्सो इन मीटर, सो आवर ब्रेथ आल्सो इन मीटर, ये भी किस में आएगी, हमारी मीटर में आएगी, और जो हाइट है वो क्या हो जाएगी 4x, 4 इंटू 2 8 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। अभी हमने 2-3 क्वेश्चंस में टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट भी किया है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो आप जो टोटल सरफेस एरिया है इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आज हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।